नमस्कार, मैं हूँ सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि फैट मास क्या होता है। इसके बारे में मैंने अभी कुछ एक दो वीडियोस पहले भी बात करी थी, वो कोई दूसरे टॉपिक का वीडियो था, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। पर ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट शब्द है, आगे हमारे काम आएगा और कोई कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है। फैट मास क्या होता है? आपके शरीर में जितनी चर्बी है उसका जो वजन है उसे फैट मास कहते हैं। फैट मतलब चर्बी, मास मतलब वजन। अब आपको वेट का मतलब भी तो वजन होता है, तो वेट और मास दोनों का मतलब वजन होता है। उनमें क्या फर्क है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में जितनी चर्बी का वजन है उसे फैट मास कहते हैं, ठीक है। अब उस वजन, आप जो किसी वजन नापने की मशीन पे खड़े होते हो तो उस पे जो आपको वजन बताती है उसमें आपके शरीर में जो ऑर्गन है, मतलब लीवर हो गया, आंतें हो गई, और जैसे आपका दिमाग हो गया, ये सारी जो चीज़ें, मतलब जो भी ऑर्गन में आता है वो सब भी तुलता है जब आप वजन नापने की मशीन पे खड़े होते हो। आपकी हड्डियाँ तुलती है, आपके जो मसल है, जो मांसपेशी है वो भी तुलती है, आपके शरीर में उस टाइम पे जितना पानी है वो भी तुलता है, आपकी चमड़ी भी तुलती है, आपके शरीर में कुछ मिनरल वगैरह भी होते हैं वो भी तुलते हैं, और भी कोई चीज़ होती है तो वो तुलते हैं, जैसे आपके बाल तुल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हटा दो तो सिर्फ जो चर्बी का भार है, और साथ में चर्बी भी तुलती है, तो जो इन सारी चीज़ों को हटा दो, मतलब ऑर्गन, बोन, मतलब हड्डी, मसल, वाटर, स्किन, मिनरल, इन सब का भार हटा दो तो जो बचता है वो चर्बी का भार है, ठीक है। यही कह लो कि चर्बी का भार हटा दो तो बचा हुआ सारा भार इन सब चीज़ों का। ऐसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण 100 किलो का एक आदमी है, उसका वेट मतलब वजन 100 किलो है, 40% बॉडी फैट पे है। वो बॉडी फैट क्या होता है और वो कैसे नापते हैं मैंने पिछले दो वीडियोज़ में बताया। 40% उसका बॉडी फैट है, हमें किसी तरीके से पता चल गया, वो बताने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बात करी है उस पर, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। और 40% बॉडी फैट है 100 किलो के आदमी का, इसका मतलब उसमें 40 किलो फैट है। ये हमने ऐसे परसेंट से जैसे निकालते उससे निकाल लिया कि 40 किलो फैट है, तो ये जो 40 किलो है इसको फैट मास बोलते हैं। 100 किलो के आदमी का अगर 20% बॉडी फैट है तो इसका मतलब है कि उसमें 20 किलो फैट मास है, मतलब चर्बी उसके अंदर 20 किलो है। ये चर्बी हर तरीके की चर्बी गिनेगी, पेट के ऊपर जो चर्बी है, चमड़ी के नीचे जो चर्बी है, हर तरीके की चर्बी इसमें आ जाएगी। अगर आपको किसी का फैट मास पता है, वजन तो सबको पता ही होता है, 100 किलो का आदमी और आपको पता चल गया उसका फैट मास कितना है, मतलब उसके अंदर कितनी चर्बी है, तो आप उसकी बॉडी फैट परसेंटेज निकाल सकते हो, उसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको किसी की बॉडी फैट परसेंटेज पता है कि उसके शरीर में चर्बी की परसेंटेज पता है, और वजन तो पता होता ही है हमें, पूरा वजन पता है, तो आप उससे उसकी उसका फैट मास निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप उससे दूसरी निकाल सकते हो। समझ, बस इतना ध्यान रखना कि फैट मास कहते हैं शरीर में जितनी चर्बी है उसको। बॉडी फैट परसेंटेज पता है तो फैट मास निकल जाएगा, फैट मास पता है तो बॉडी फैट परसेंटेज निकल जाएगी। 100 किलो का आदमी 20% बॉडी फैट है, मतलब 20 किलो चर्बी है, 100 किलो का आदमी 20 किलो चर्बी है, मतलब 20% बॉडी फैट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, और आगे इनसे जुड़ी हुई हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो ये टर्म ध्यान रखना, शरीर के अंदर जितनी चर्बी है उसे फैट मास कहते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दो, अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और आप इस चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो मेरे वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।